जब चीज़ों को समझोगे तो सही गलत का फैसला कर सकते हो, है ना, सही क्या है गलत क्या है ना। अगर नहीं पढ़ पाओगे तो आपको क्या पता चलेगा कौन सी चीज़ का क्या सही है या गलत है। तो पढ़ाई लिखाई इंसान का विकास करती है, जब वो पैदा होता है तब से लेकर मरने तक मृत्यु तक दिन भर इंसान सीखता है और विकास करता है, अपने लोगों का, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, पड़ोस का, है ना, और फिर एक दूसरे की मदद भी करता है। पढ़ने लिखने का यही तो फायदा है कि आप समझ पाते हो ये भी हमारा भाई है, वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी का भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा देश तो सबसे मिलकर बना है ना, जब सब तरक्की करेंगे सारे लोग तरक्की करेंगे, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, किसी भी वर्ग का हो, क्या फर्क पड़ता है। जब सारे लोग बढ़ेंगे तो तभी तो देश बनेगा ना, क्योंकि सारे लोग तो उसी देश के अंदर ही। जैसे आपके घर में मान लो 5-6 लोग रहते हैं, एक घर में 3-4 लोग रहते हैं, आपके घर में 5 लोग पढ़ लिखे नौकरी कर रहे हैं, एक ही यहाँ 2-3 लोग ही पढ़े बस 5 में से, तो कौन सा अच्छा ज़्यादा है, ज़्यादा मजबूत कौन सा है, 5 वाला या 3 जिसमें पढ़े, क्या इसमें से 5 वाला है ना, 5 वाला मजबूत है। तो ऐसे ही जब सारे लोग मेहनत करते हैं और सारे लोग बढ़ेंगे एक साथ तो देश मजबूत होगा, या फिर वो देश मजबूत होगा जिसमें 2 पीछे रह गए जो पढ़े लिखे नहीं आगे नहीं बढ़ पाए किसी वजह से, है ना, तो वो ज़्यादा मजबूत होगा या फिर ज़्यादा पढ़े वाला, क्या इसी बात है ज़्यादा पढ़े वाला, है ना। तो एक दूसरे का साथ दो हमेशा, खूब मेहनत भी करो, किसी की ज़रूरत है, जैसे कभी आपके पास पेन है कलम किसी के पास नहीं है, आपके पास एक ज़्यादा है, आप मदद कर दो, ये भी एक तरीका होता है ना काम करने का, प्यार मोहब्बत से रहने का। तो आप लोग एक दूसरे से मदद मांगो अगर ज़रूरत पड़े, और हम लोग भी हैं यहाँ, सुरेंद्र भैया मेरे बड़े भाई हैं, भाई हैं, प्रधान भी हैं, आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, वैसे 8 मिनट तक भारत सरकार ने फ्री एजुकेशन दे रखी है, शिक्षा आपको पैसे तो नहीं लगते होंगे, लगते जो प्राइवेट में जाते होंगे शायद उनके लगते होंगे, सरकारी में तो बिल्कुल ही नहीं लगते, ये लगती हैं आप लोग सरकारी स्कूल में पैसे लगते होंगे नहीं ना, सरकारी में हम भी पढ़े बहुत सारे लोगों को देखो वो काली जैकेट पहने हुए खड़े हुए, वो MBS में पढ़ते थे, अभी वो भी IIT में पढ़ते थे, ठीक है। तो छोटी छोटी जगह से हम लोग भी पढ़े हैं, मालेरा में ही पढ़े, इधर आगे गए और अलीगढ़ पहुँचे, अलीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से और ऊपर गए, है ना, इस तरीके से पढ़ाई पढ़ते चले गए। आप लोग भी अभी यहाँ बैठे हुए, कल MBS या अरेबी इंटर कॉलेज या किसी कॉलेज में पढ़ेंगे, जाएंगे वहाँ से यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो जब पढ़ लिख के बड़े होके गांव वापस आएंगे तो अपने गांव के हालात भी सब सुधारेंगे। आपको बचपन में लगता होगा मेरी सड़क बन जाती तो कितना अच्छा होता है, मेरे घर से मेरे घर के सामने भी सड़क बन जाए तो अच्छा है, बिजली आ जाए तो मैं कुछ अच्छा कर लूँ, पढ़ भी लूँ, टी वी भी देखूँ थोड़ा बहुत, है ना, सोचते हो कि नहीं सोचते सारे बच्चे, सोचते हैं।